దేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచేందుకు శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ ఎన్నో త్యాగాలు చేశారన్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా. భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు నడ్డా. ఈ రోజును బీజేపీ త్యాగ దినంగా భావిస్తున్నారు. हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन और बलिदान यह देश के लिए और देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए, एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया. उनका हम सब के लिए प्रेरणा का नारा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इस नारा को साकार पिछले साल आदरणीय मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35A को हटा करके किया. 1953 को उनको उनकी शहादत हुई, रहस्यमय परिस्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हुई. हम सब लोगों ने उस समय और उनकी माता जी ने ये मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए. और हम जानते हैं कि पिछले साल 5 और 6 अगस्त को धारा 370 समाप्त हुई और 35A भी गया और देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग समर्पित रहे.